जय श्री हरि। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयस और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में सहायक होती है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त योगिनी एकादशी करने का विधान है, जो इस वर्ष 14 जून 2023 बुधवार को है। परमेश्वर श्री विष्णु जी ने मानव कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों को मिलाकर कुल 26 एकादशियों को प्रकट किया। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली इन एकादशियों के नाम और उनके गुणों के अनुसार ही उनका नामकरण भी किया गया है। सभी एकादशियां में नारायण समतुल्य फल देने का सामर्थ्य है। ये सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करके विष्णु लोक प्रदान करने में सक्षम है। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयस, जाने अनजाने जो अपयस अभी तक हुआ है, आगे संकल्प करें कि अब हमसे नहीं होगा, उस अपयस को और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में भी सहायक होती है। यानी विष्णु लोक तो प्रदान करेगी ही करेगी, परंतु इस धराधाम पे सभी कष्टों से, अपयशों से और चर्म रोगों से भी मुक्ति प्रदान करने में सहायक है। योगिनी एकादशी पूजा और फल। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। साधक को इस दिन व्रती रहकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो देवाय यानी द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि कराकर प्रभु श्री विष्णु के विग्रह को स्नान कराएं, कराकर अच्छी तरह से साफ कपड़े से उसको पोंछकर वस्त्र चंदन जनेऊ गंध अक्षत के जगह सफेद तिल पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल आदि समर्पित करके आरती उतारनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाले, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। यह देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप गुण और यश देने वाली है। इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के समान है। यानी एक व्रत, इस व्रत का अगर पालन किया जाए तो एक साथ 88,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराने से फल मिलता है, वह फल मात्र इस एक एकादशी के व्रत के रखने से ही प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के संदर्भ में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई थी, जिसमें राजा कुबेर के श्राप से कोढ़ी होकर हेममाली नामक यक्ष मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया और योगिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। यक्ष ने ऋषि की बात मानकर उत्तम व्रत का पालन किया और दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चला गया। एकादशी के दिन चावल वर्जित है। यदि बच्चे और बूढ़े व्रत नहीं रह सकते,
तो इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, यानी घर पे चावल न बनाएं। आषाढ़ कृष्णा योगिनी एकादशी का महात्म्य। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूं। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, नाम उसका विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया, पूजा के फूल भूल गए। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोकसास की किनाई होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा, वह उसके कुकर्मों को देख गए और उस महाअंधे ने उनको न देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्यवर जी का तिरस्कार किया, इस कारण श्राप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया, स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया, गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा न छोड़ा, भिन्न भिन्न करती ही रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवी महामुनि मार्कंडे का आश्रम था। उनके दर्शन से मधुमक्खियां अंतर ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा, अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडे मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ, जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म को सुनने से मिलता है। फलाहार इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री माधव, राधे राधे।